पासिंग सर एंड हो चुका है, जर्नल्स भी सबमिट करने। ये हमारे क्लासरूम प्रिंट्स तो ला लिए अभी। तो फाइनली हमारा फोर्थ सेमेस्टर एंड हो चुका है एंड अभी कुछ 8 से 10 दिन की वैकेशन रहती है एंड सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए, स्टडीज़ के लिए। बट कोई पढ़ता रहता नहीं है यार, 8-10 दिन बहुत हो जाते हैं। तो सभी को पता है कि लास्ट डे को ही प्रॉपरली स्टडी होती है, तो कोई पढ़ता नहीं इतने दिन। तो फिलहाल तो ये हमारे वैकेशन बहुत मज़े में गए, हमने मस्त दिन भर खेले एंड बहुत इन्जॉय भी किए। एंड अभी 24 से हमारी एंड सेमेस्टर एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाली है। तो इस सेम में तो हमें बस 4 ही सब्जेक्ट थे मेन सब्जेक्ट, तो हमारे पेपर्स के बीच में बहुत सारे गैप्स हैं, 2-2 या कहीं कहीं 4 दिन की भी गैप्स है। तो पेपर का तो इतना कोई टेंशन नहीं है, बहुत इजीली पेपर जाने वाले इस सेम के। तो एंड 24 से स्टार्ट हो रहे हैं एंड हमारे ब्रांच के पेपर जो है वो 6 मई को एंड हो जाएंगे। उसके बाद 50 डेज की हमें वैकेशंस मिलने वाली, कुछ इंटर्नशिप वगैरह की, तो उसके लिए भी अभी अप्लाई करना स्टार्ट करना है एंड कुछ स्किल्स सीखना पड़ेगा उसके लिए। तो अभी वैकेशन देने के पहले हमारी यूनिट टेस्ट एग्ज़ाम्स हुई थी, तो उसकी मार्क्स वगैरह दिखाते, पेपर शोइंग जो होती है वो इसी वैकेशंस में होती है। तो आज एक दो पेपर हमें दिखाने वाले, तो अभी मैं वहीं पे जा रहा हूँ पेपर्स देखने एंड कुछ जर्नल्स भी सबमिट करना है। जर्नल्स भी सबमिट करना पड़ता है, लैब वगैरह की रहती है जिस पे मार्क्स रहते हैं लैब्स के, तो अभी वो भी देने जाने। तो चलो चलते हैं। वगैरह सब रख लिया मैंने अपने साथ एंड अभी सीधे चलते हैं मार्क्स देखने एंड जर्नल सबमिट करने। तो ये जो आपको पीछे दिख रहा है कूलर, मैंने अभी पहले जो था वो रूम के बाहर लगाए थे हमने कूलर, बट उसकी वजह से दरवाज़ा ओपन करके रखना पड़ता था तो मच्छर बहुत आते थे। तो यहाँ पर बाहर जगह थी कूलर की, हमारे रूम एक साइड में है, सबसे साइड वाला रूम है, तो यहाँ पर जगह थी तो हमने बाहर ही लगा दिए। तो यहाँ पर नेट से जिससे मच्छर नहीं आते एंड बहुत अच्छी ठंडी हवा भी आती है, तो मस्त नींद आती। जर्नल्स के लिए कुछ प्रिंट लाने जाने हैं अभी। तो अंदर के प्रिंट बनते तो अभी कॉलेज के बाहर आए थे। ये हमारी क्लासरूम नहीं है, ये फोर्थ जो थर्ड ईयर वाले उनकी क्लासरूम है, ये AML की। क्या कर रहे हैं? जर्नल लिखने रहे, प्रिंट लगा रहे। प्रिंट्स तो ला लिए, अभी जर्नल के अंदर प्रिंट्स को अटैच करना है। तो अब चलते जर्नल सबमिट करने। दो चाटे मारे। हाँ सर, UD2 के पेपर्स के मार्क्स शो कर रहे हैं अभी। अभी चलते दूसरे पेपर्स के मार्क्स देखने। रिटेस्ट के पेपर से
बढ़िया है। बारिश के कारण सारा ग्राउंड भीग गए। तो ईओसी एक पेपर मैंने देखा जिसमें मार्क्स आए 8। तेरे को कितने मार्क्स आए? मुझे 6 मार्क्स आए। एक जन को 0 भी मार्क्स आए, क्या बोल रहे हो? ये एक टॉपर इधर से जा रहे हैं, 10 मार्क्स वाला 10। क्या बढ़िया मौसम है यार। आज कॉलेज का पूरा मैनेजमेंट जो भी है, प्रिंसिपल वगैरह सब आए हैं मेस में। सो अभी आ गया हूँ मैं अपने रूम पे एंड पेपर्स तो देख लिया, बट एक ही पेपर दिखा क्योंकि एक पेपर चेक होने का था। तो एक पेपर जो TOC जिसे कहते हैं तो बहुत थोड़ा टफ होता है, तो 8 out of 15 मुझे मार्क्स मिले वो भी ठीक है। एंड फर्स्ट यूनिट टेस्ट में मुझे मिले थे कुछ 6, तो ग्रोथ तो हुई है थोड़ी। एंड अभी एंड से मैं ट्राई करूँगा ज़्यादा मार्क्स लाने की। तो अभी हमने मार्क्स देखे, जर्नल सबमिट किए एंड उसके बाद बास्केटबॉल कोर्ट पे खेले भी। एंड अभी मौसम थोड़ा ख़राब लग रहा है, शायद पानी आने वाले, उसे छोड़ो। तो जो प्रैक्टिस हमें मिले एग्ज़ाम्स के लिए, स्टडीज़ के लिए, उसका तो हम फुल इन्जॉय कर रहे हैं। एंड सारे हॉस्टलाइट्स एज वेल एज जितने भी डे स्कॉलर्स भी होंगे सब फुल इन्जॉय कर रहे हैं। एंड यही तो कुछ हमें दिन मिलते हैं इन्जॉय करने के लिए। पढ़ाई तो होती रहेगी, पढ़ाई तो लास्ट डे को लास्ट नाइट में हो ही जाती है, बट ये जो एक्स्ट्रा डेज की हमें प्रैक्टिस मिलती है इसमें हम बहुत इन्जॉय करते हैं, खेलते हैं मस्त सारे हॉस्टलाइट्स के साथ खेलते हैं एंड बहुत मज़ा आती है। सो वीडियो आने में थोड़ा लेट हो जाएगा, एक दिन लेट हो जाएगा शायद, ये 24 अप्रैल को पोस्ट कर दूंगा मैं। हाँ 24 या 25 को पोस्ट कर दूंगा। एंड आज की है 23rd, क्योंकि कल मेरे एग्ज़ाम है तो पहले उसका पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि पेपर को ईजीली नहीं ले सकते हम, बहुत हार्ड भी आते हैं पेपर। तो बस इतना ही, ये मुझे बताना था कि एग्ज़ाम वैकेशन में क्या लाइफ होती है स्टेलाइट्स एंड कॉलेज सभी कॉलेज के सारे स्टूडेंट्स की। तो बस इतना ही मुझे बताना था। वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक ज़रूर कर देना, एंड जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब किया है बहुत बहुत थैंक यू यार, जिन्होंने भी नहीं किया आराम से कर देना, कोई जल्दी नहीं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।